अगर आपके कॉइन्स और बार्स कैप्सूल्स या सर्टिकार्ड कार्ड में नहीं आए हैं और आप उनको स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। टू वॉच एक्साइटिंग रिव्यूज एंड अनबॉक्सिंग्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स इन इंडिया क्लिक सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूँ आपका इंडियन बुलियन रिव्यूअर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने कॉइन्स और बार्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्क्रैचेस से। ये उन कॉइन्स और बार्स के लिए है जिनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं आती है या फिर आप उन कॉइन्स और बार्स को पैकेजिंग से निकाल कर उसकी पैकेजिंग को डिस्पोज कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं। आपके सामने काफ़ी सारे कॉइन्स दिख रहे होंगे। ये कैप्सूल्स में हैं, MMTC पैम्प के कॉइन्स, फिर ये आनंद जूल के कॉइन्स और बार्स है जो प्लास्टिक रैप में आए थे क्योंकि ये गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए थे। फिर आपको यहाँ पे मेरा ऑस्ट्रेलियन ड्रैगन दिख रहा है, कैंगरू है, ICC टीम इंडिया का सिल्वर कॉइन है, हैप्पी बर्थडे का एक कॉइन है, तोला है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, राइट? तो देखो आप सबकी अलग अलग पैकिंग है। ये देखो कैप्सूल्स में आया है और उसके साथ एक क्लासी बॉक्स में आए हैं दोनों, ठीक है। ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैप्सूल में आया है, ये थोड़ा अलग सा कैप्सूल है डिस्प्ले करने के लिए। ये जो कैप्सूल है ये जैसा कॉइन है उसी शेप में आया है। ये जो कॉइन है जे पर्ल्स का, ये एक सर्टी कार्ड टाइप्स में आया है लेकिन वो प्लास्टिक के अंदर है। कुंदन का जो आप बार देख रहे हो वो एक सर्टी कार्ड के अंदर आया है। फिर ये कैनेडियन मेपल लीफ है, ये एक फ्लिप के अंदर आया है। तो अब काफ़ी लोग कंसर्न कर जाते हैं कि इन कॉइन्स को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो जिन कॉइन्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है या जिन बार्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है। इस बॉक्स और इस लिफाफे में इक्विपमेंट है हमारा प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये UK से आया है, रॉयल मेल। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। और यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है सेलर का, सो दैट्स दैट इन केस आप लोगों को कंसर्न है कि कहाँ से आया है। तो यहाँ कुछ निकला इक्विपमेंट। तो ये अनबॉक्सिंग तो जल्दी से हो गई, हम एक बार इसे भी अनबॉक्स या अनरैप जो है कर देते हैं। तो ये एक्चुअली आया है चाइना से। अब आपको दिख गया होगा ये क्या है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो इसको यहाँ रखते हैं हम। अरे आप सोच रहे होंगे कितने हैं, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। तो हम इनको एक एक करके निकाल देते हैं और बबल रैप को हटाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके प्राइसेस, कहाँ से लिया मैंने और बाकी जो डिटेल्स है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये जो आपको एयर टाइट दिख रहे हैं ये बार्स के लिए है, बार्स प्रोटेक्शन के लिए। ये मैंने एक UK सेलर से लिया था, ऑब्वियसली थ्रू eBay, ठीक है। तो ये 1 ounce बार्स के लिए हैं वैसे तो, ठीक है, जिस हिसाब से बिकते हैं ये 1 ounce बार्स के लिए हैं। और ये 5 मिले थे मुझे अराउंड 5.29 पाउंड्स के, यानी कि चलो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये मान लो, तो 100 रुपये का एक। आप सोचोगे तो काफ़ी महंगा है। ये जो स्पेशल बार्स हैं उनके लिए हैं, यानी कि हमारा ड्रैगन। ऑर्डर करने के 5-7 दिनों तक ये UK से मेरे घर पे डिलीवर हो गया था एंड कोई कस्टम का इशू नहीं हुआ था, कोई कस्टम चार्ज नहीं लगा था क्योंकि इनकी वैल्यू 500 रुपये है। एंड लकीली कह सकते हैं कि कुछ इशू नहीं हुआ। जो सेलर का नाम है वो है Andy_Jack। जो प्रोडक्ट का लिंक होगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं इनकी बात करता हूँ। ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं ये 10 कॉइन कैप्सूल्स हैं जिनका डायमीटर 40 मिलीमीटर के कॉइन्स के लिए है। तो 40 मिलीमीटर का जो डायमीटर वाले कॉइन्स होते हैं वो वाले कॉइन्स इसमें आराम से सेट हो जाएंगे। ये मुझे कितने के पड़े थे बताता हूँ। ये 1 ounce कॉइन्स के लिए हैं, ठीक है, और ये पड़ा था मुझे $1.84। $1.84 कितना हो गया, 130 रुपये। तो ये काफ़ी महंगे हैं उस हिसाब से। कहाँ ये मान लो 130-140 रुपये में 10 वर्सेस ये कहाँ हमें 100 रुपये का एक पड़ा। बट ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये चाइना से आया है। सेलर का नाम है E-Fashion365। एंड ये सस्ता क्यों पड़ा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया चाइना से, ठीक है। चाइना में ऑब्वियसली होलसेल पर सब कुछ बिकता है एंड ऑब्वियसली क्वालिटी भी थोड़ा अप डाउन रहती है। ये जैसे रिसीव किया था मैंने समझ गया था कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये जो है 30-60 days में आया था चाइना से और ये देखो 5 दिन में आया था। तो ऑब्वियसली शिपिंग की भी वैल्यू है, शिपिंग का भी कॉस्ट इसमें डला हुआ है। तो क्वालिटी, शिपिंग सब मिलाकर ठीक है, कन्विंस्ड हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये थोड़े अर्जेंटली चाहिए थे।
उस टाइम पर, क्योंकि मुझे लग रहा था इनको मैं जल्दी से प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली अभी तक मैंने इनको डाला नहीं है। ये भी मैंने ईबे वाले सेलर से लिया था, ये चाइना में था एंड ये यूके। सो लेट्स बिगिन विद आर ऑस्ट्रेलियन सिल्वर ड्रैगन। मैं ग्लव्स अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाद में अपने बार्स को क्लीन करूँगा, डोंट वरी। सो ये रहा हमारा सिल्वर ड्रैगन, बहुत ही ब्यूटीफुल बार है ये, काफ़ी लोगों को पसंद आया था ये। तो टार्निश तो थोड़ा कर गया ऑब्वियसली, अब क्या करें, वो हो जाता है एयर में कॉन्टैक्ट, थोड़ा येलोइश हुआ, टार्निश तो नहीं हुआ, थोड़ा येलोइश है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो इसमें से एक्चुअली एक दो थे जो थोड़े ठीक कंडीशन में नहीं आए थे, तो मैंने सेलर को कॉन्टैक्ट कर दिया था एंड उन्होंने कहा था डोंट वरी, आगे वाले ऑर्डर्स या जो भी है वो सेटल कर लेंगे, वो हो जाता है। तो इसको कैसे डालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये ऐसे पॉप ऑफ करके खुल जाता है, ठीक है। एक साइड थोड़ा ज़्यादा डेंस है, जहाँ डेंस है ना, अब देखो ये कितना खुला है, ये वाले में थोड़ा बॉर्डर्स हैं, तो उस वाली जगह पर अपने बार को सिंपली ऐसे सेट कर दो। थोड़ा खुला है, सेलर को मैंने बोला था, वो सेलर को आइडिया नहीं था, उसे लग रहा था कि ये फिट हो जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ थोड़ा खुला आ गया, ज़्यादा भी टाइट रहेगा तो थोड़ा वियर्ड लगेगा। तो जैसे ही बार को हमने सेट कर दिया, उसके बाद सिंपली आप इसको ऐसे पॉप कर दो, ठीक है। तो देखो टाइटली हमारा बार अब अंदर सेट हो चुका है, अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई ग्लव्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एयर टाइट है, बहुत पावरफुल है, अंदर जाएगी नहीं एयर, होपफुली ना जाए, बाकी डस्ट का तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो शो करने के लिए भी अच्छा है एंड परफेक्टली अंदर सेट हो चुका है, हिलेगा भी नहीं अंदर। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट बार रेडी। तो ये जो बार है, एक्चुअली इसके बारे में बता दूँ, ये 27.6 mm है इसका डायमीटर। अब हम अपने ऑस्ट्रेलियन कैंगरू को जल्दी से इसमें से निकाल के फ्लिप में से डाल देते हैं उसके कैप्सूल में। तो इसमें कैप्सूल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हैं, क्योंकि थोड़े स्क्रैचेस वाले भी आए हैं, बट सिंस इनकी वैल्यू बहुत कम है, 15-20 रुपीस पर पीस है, तो ऐसा तो हो ही जाता है, इंडिया में भी होता है, जब आप शॉप क्लूज़ या पेटीएम से कुछ मंगाएंगे, पेटीएम मॉल से कुछ मंगाएंगे, तो कभी कभी क्वालिटी थोड़ी अलग आ जाती है, क्योंकि सेलर का जो स्केल होता है वो अलग है, अमेज़ॉन जैसे अलग प्रोवाइड करता है, पेटीएम अलग प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से। तो एक बार मैं इस कॉइन को नीचे रख देता हूँ एंड इस कैप्सूल को खोल के देखते हूँ कि ये कैसा है। तो ये 40 mm का है कैप्सूल एंड कैंगरू हमारा 40.6 mm है, तो आई डोंट नो ये फिट होगा भी कि नहीं। सो कैप्सूल हमने खोल दिया है, यहाँ पे टैब्स बनी हुई थी, मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था गलती से। तो इसमें भी ऐसे ही है, एक साइड काफ़ी स्पेस है और एक साइड डेंस है, तो हम ये जो डेंस वाली जगह है इसमें डाल के देखते हैं, जिसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं। अपने कॉइन को सेट करते हैं, टाइटली भी बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बंद रहेगा, पता नहीं फिर निकलेगा भी कि नहीं। हो गया, काफ़ी टाइटली बंद हो गया, ये कैंगरू गया अंदर और ये लो भाई। सो दिस इज़ परफेक्ट फिटिंग, बिल्कुल परफेक्ट आई है, वाओ। ये जो कॉइन था, ये इसका डायमीटर 40.6 है, यानी कि ये जो लाइन सेंटर से हमारे जा रही है वो हमारा डायमीटर है, 40.6 mm इसका डायमीटर है, और जो कॉइन कैप्सूल है उसका 40 mm डायमीटर है, फिर भी फिट हो गया और परफेक्टली फिट है, टाइटली फिट हुआ है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट फिट हो गया, हमें वही सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। तो इसको भी अब मैंने यहाँ रख दिया, आराम से दिखा सकता हूँ अब मैं आप लोगों को कभी भी कॉइन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कैनेडियन मेपल लीफ पे। तो इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 38 mm है, और हमारे जो कैप्सूल्स हैं 40 mm के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा, तो ये खुला घूम सकता है। इसको नीचे रखता हूँ और एक कैप्सूल देखते हैं जो स्क्रैच्ड नहीं है, क्लियर शो करने के लिए मैं परफेक्ट कैप्सूल ढूंढ रहा हूँ, दिस इज़ नाइस। तो इनमें टैब बना होता है, ये रहा टैब, खुल गया, कॉइन को उठाओ, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ग्लव्स नहीं यूज़ करे क्योंकि मुश्किल हो जाता है। इसको यहाँ कर दिया प्लेस, थोड़ा खुला है, ये दिख रहा है आप लोगों को, खुला है, अंदर घूम रहा है कॉइन, लेकिन कोई बात नहीं। एंड ये कर दिया इसमें बंद, लोभ। हमारे फाइनली ये तीनों कॉइन्स हो चुके हैं परफेक्टली
बंद, इसमें थोड़ा गैप है लेकिन हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि खुले छोड़ने से तो बेटर ये कि थोड़ा प्रोटेक्टेड ही रहेगा। तो ये तीनों आप कॉइन्स और बार्स देख सकते हैं परफेक्टली हो गए हैं फिट इनमें, एंड वैल्यू वाइज तो ये बहुत सही है। ये 100 रुपीज़ वाले तो ऑब्वियसली ज़्यादा सही आए थे क्योंकि ये एक्सपेंसिव हैं। ये हमारे जो 100 रुपीज़ में 10 आए थे ये थोड़े ऐसे ऐसे ही थे क्योंकि सस्ते हैं एंड सारे साफ नहीं आए थे, लेकिन कॉइन प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपने जो एक्स्ट्रा कॉइन्स थे और जो बार था वो परफेक्टली कर दिया है इसमें सेट। देखो ये हैप्पी बर्थडे वाला भी इसमें अच्छे से सेट हो चुका है। आप किसको गिफ्ट करेंगे तो ऐसे भी गिफ्ट कर सकते हैं, कैप्सूल में रहेगा। बाय चांस उसका डायमेंशन सही था तो ये तो हमारे फॉरेन के कॉइन्स थे। फिर उसके बाद जो हमारे पास हैप्पी बर्थडे का कॉइन है अनंत जूल से जो लिया था अमेज़ॉन के थ्रू, वो भी इसमें आ गया। थोड़ा सा ऑब्वियसली खुल रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा है लेकिन इसमें सिक्योर रहेगा। उसके बाद जो हमारे न्यूमिज़मैटिक वाले कॉइन्स हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुले रहेंगे क्योंकि इन कैप्सूल्स जो हैं सपोर्ट करते हैं 40 mm वाले कॉइन्स जिनके डायमीटर है, और ये तो बहुत छोटे हैं इनका डायमीटर तो, लेकिन फिर भी ये हो गए हैं काफ़ी प्रोटेक्ट। आपके कॉइन्स जो होंगे स्क्रैचेस से बच जाएंगे, अगर बाई चांस आप ये गिरा भी देते हो तो ये एयर टाइट वाले तो आपको अच्छे से बचा कर रखेंगे, आपके बार्स को अच्छे से बचा कर रखेंगे। एंड ओवरऑल ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी भी मेरे पास 2 बार्स के कंटेनर्स बचे हुए हैं और मेरे पास कॉइन के भी 4 कैप्सूल्स बचे हुए हैं, तो ये बहुत हैंडी चीज़ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मैंने ईबे से लिया था। ईबे पे आपके पास पेपाल के थ्रू पे करने का ऑप्शन है, मैंने पेपाल के थ्रू पे कर रहा था। और अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो प्लीज़ देख लें कि ग्लोबल होना चाहिए आई थिंक, जैसे SBI का ग्लोबल डेबिट कार्ड है या फिर इंटरनेशनल कोई कार्ड है। पहले मैं कहूँगा आप उससे ट्राई करें और उसके बाद ही आप बाकी कार्ड से ट्राई करें। कोई भी फ़ीस आएगी आई एम नॉट श्योर कि कितनी फ़ीस होगी, तो वो प्लीज़ अपने रिस्क पे आप ऑर्डर करें। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, मैंने इन कैप्सूल के बारे में थोड़ा रिसर्च करा कि इंडिया में भी क्या क्या अवेलेबल है। तो कॉइन बाज़ार के पास ये कैप्सूल्स अवेलेबल हैं जो कि लाइट हाउस कंपनी के हैं, लाइट हाउस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। आप कॉइन बाज़ार की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। अगर आप अमेज़ॉन पे ढूंढना चाहते हैं अमेज़ॉन पे भी आपको ये मिल जाएगा, एंड कॉइन बाज़ार एंड अमेज़ॉन की प्राइसिंग बिल्कुल आसपास है तो जिससे आपको लेने का मन करता है वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फिर आपके पास थर्ड एक और ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, लेकिन फ्लिपकार्ट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा रिकमेंड? क्योंकि वहाँ जो प्राइसेस हैं हद से ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना हैं अमेज़ॉन और कॉइन बाज़ार के कंपेयर्ड। तो अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है ईबे का, जो कि मैंने चूज़ करा ये कॉइन कैप्सूल और बार कैप्सूल लेने के लिए, क्योंकि ये जो बार का कैप्सूल है ये इंडिया में मिल नहीं रहा था। काफ़ी जगह मैंने ढूंढने की कोशिश करी, जब नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो कॉइन कैप्सूल भी क्या ढूंढूंगा, उन दोनों को मैंने वहाँ से मंगा लिया, ईबे से मंगा लिया। बाद में देखने पर पता चला कि इंडिया में इसके कॉइन कैप्सूल्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी सारे साइज़ में अवेलेबल है, 40 mm, आई थिंक 41 mm, 47 mm, काफ़ी सारे डायमीटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये था एक वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं बता सकूँ आपको कैसे अपने कॉइन्स को प्रोटेक्ट करना है, एंड क्या ये लेना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपने कॉइन्स को नहीं बचाना तो नॉट एन इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जब आप कॉइन सस्ते में ले रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप ज़्यादा पैसे वेस्ट करें उसको बचाने में, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर कोई कलेक्टेबल है जैसे ये वाले कॉइन्स, इनके लिए तो आपको सही में ज़रूरत है, इनकी जो ओरिजिनल स्टेट है उसको बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है, लिमिटेड एडिशन इसीलिए हैं ये। लेकिन बाकी कॉइन्स के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करा था और मुझे अपने कॉइन्स को बचा के थोड़ा रखने में मज़ा आता है। तो मैंने सोचा इंस्टेड कि मेरे फिंगरप्रिंट्स लग जाएं या फिर स्क्रैचेस लग जाएं या ये सब हो जाए, उसकी जगह मैंने ये चूज़ कर लिया ऑप्शन। जो कॉइन होता है इसमें एक फोम वाले भी आते हैं प्रोटेक्टर्स, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे डाउट था कि कौन से कॉइन सेट होंगे। इसमें एक फ्रीडम मिल जाता है कि आप कोई भी कॉइन डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं छोटा कॉइन और बड़ा कॉइन, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @youngmetalstacker, वहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता हूँ, कॉन्टेस्ट भी होते हैं। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @varunkumarracer।
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है, आप ये कॉइन्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं या नहीं प्रोटेक्ट करने वाले हैं, या फिर क्या रीज़न है आप नहीं खरीदने वाले, कुछ भी आपके जो थॉट्स हैं, अगर आपको हेलो कहना है आप हेलो भी कह सकते हैं। एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।